हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस सो ऐसी कौन कौन से इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लासरूम लर्निंग और वो प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम रिलेटेड विद टीचर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो तो टीचर्स से रिलेट करती हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद करिकुलम करिकुलम में भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद क्लासरूम मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आगे हम बात करेंगे सो so फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है क्योंकि जितने आप फ्लो चार्ट बनाओगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो टीचर आपके एग्जाम को पेपर को चेक कर रहा है उस पर सो so कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन में आप एक फ्लो चार्ट बनाओ सो so चलिए अब हम इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं टीचर से यानी कि टीचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे क्लासरूम लर्निंग में इश्यूज आते हैं सो फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस अगर टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे तो सब कुछ आता है तो भी इशूज होंगे एंड सेकेंड पॉइंट इज हेल्थ ऑफ टीचर अगर टीचर की हेल्थ अच्छी होगी तो उसका कंसंट्रेशन अच्छा होगा वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ध्यान कैसे लगेगा पढ़ाने में सो ये भी इशू है थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज क्योंकि हमें तो नॉलेज ही प्रोवाइड करना है बच्चों को जो हमें आता है हमें वही बच्चों को सिखाना है अगर नॉलेज ही नहीं होगा टीचर में तो टीचर क्या सिखा पाएगा बच्चों को और बच्चे क्या नॉलेज गेन कर पाएंगे सो so, ये एक इशू है एंड नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हिज और हर ओन सब्जेक्ट अगर टीचर का इंटरेस्ट उसके अपने सब्जेक्ट में ही नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा सो so, ये तो एक इशू है सो so, इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है अगर हमें अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी हम इंटरेस्ट से बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे भी तभी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा बर्डन या फिर लोड अगर टीचर पर एक्स्ट्रा बर्डन है बर्डन किस चीज का एग्जाम्स का कि एग्जाम आगे है मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करवाने हैं तो भी टीचिंग अच्छी तरह से नहीं होगी एंड नॉन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ टीचर कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बायस बिहेव करते हैं कुछ बच्चों से वो अच्छा बिहेव करेंगे कुछ बच्चों को वो निगलेक्ट कर देंगे तो वो हो गया नॉन डेमोक्रेटिक नेचर और टीचर का नॉन डेमोक्रेटिक नेचर है कुछ बच्चों के लिए तो बच्चों का वो पढ़ने में मन नहीं लगता है वो बच्चे सोचते हैं कि ये टीचर तो सिर्फ एक ही बच्चे के लिए बायस है हम क्यों पढ़ेंगे फिर हमें रिवार्ड तो मिलेगा ही नहीं तो टीचर का नॉन डेमोक्रेटिक नेचर नहीं होना चाहिए अगर होगा तो वो इशू क्रिएट करेगा एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड एटीट्यूड कुछ टीचर्स का एटीट्यूड होता है वो रिजिड होता है वो कुछ और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो फ्लेक्सीबल नहीं होता है यानी कि वो ये बोलते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है मैं जो बताऊंगा वही सही होगा वो कुछ और एड ऑन उसमें नहीं करना चाहते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एम ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं उनका एम बस यही होता है कि मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है चाहे बच्चों को कुछ समझ आए या फिर नहीं आए तो वो तो एक इशू हो गया क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी से सब कुछ करवाएंगे हमें ये बस है कि हमें कोर्स कंप्लीट करवाना है तो उसे समझ तो कुछ आएगा नहीं फायदा कुछ नहीं होगा सो so, ये एक इशू है नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट मेक टीचिंग प्लान या फिर जिसको हम लेसन प्लान भी कहेंगे टीचर्स लेसन प्लान नहीं बनाते हैं टीचिंग प्लान नहीं बनाते हैं कि हमें क्लास में जाकर बच्चों को क्या पढ़ाना है अगर टीचिंग प्लान या फिर लेसन प्लान नहीं बनेगा तो टीचर तो कुछ भी पढ़ा जाएगा उसको पता ही नहीं है कि मेरे एम्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्या हैं एंड में बच्चे क्या सीखेंगे इस लेसन से जो मैं आज करवाऊंगा उससे सो so, वो तो इनफेक्टिव टीचिंग होगी सो ये भी इशू है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लेस यूज ऑफ टीचिंग एड जैसा कि हम सभी को पता है कि जितना ज्यादा हम टीचिंग एड्स का यूज करेंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव हमारी टीचिंग होगी और उतनी इफेक्टिव लर्निंग होंगी बच्चे भी उतने इफेक्टिवली सीख पाएंगे तो जो टीचर्स कम टीचिंग एड्स का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे उनकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही जो टीचर से रिलेट करती हैं अब हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो स्टूडेंट्स से रिलेट करेंगे यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स अगर बच्चों की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी वो बीमार होंगे फिर मेंटली इमोशनल उनमें कोई इश्यूज होंगे तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लर्निंग प्रोसेस सेकेंड पॉइंट इज बैड हैबिट्स कुछ बच्चों की बैड हैबिट्स हो होती हैं वो पूरी क्लास में ही सबको डिस्टर्ब करते हैं ना ही वो खुद पढ़ेंगे ना ही दूसरों को पढ़ने देंगे अगर वैसा बिहेवियर बच्चों का होगा तो क्लासरूम जो लर्निंग होगी उसमें प्रॉब्लम आएगी एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंसी जिसका मतलब होता है कि बिना किसी के परमिशन के क्लास से एबसेंट होना जिसको हम कहते हैं बंक मारना सो so, वो होती है ट्रेंसी अगर बच्चे ऐसे ही भागते रहेंगे क्लासेस से स्कूल नहीं आएंगे बिना परमिशन के सो क्लासरूम लर्निंग कैसे होगी लर्निंग हो ही नहीं सकती है ना अगर बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो उनको घर जाके तो नहीं कोई पढ़ाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ बच्चे शरारते करते रहते हैं क्लास में उनमें डिसिप्लिन ही नहीं होता है ना ही उनका पढ़ने में डिसिप्लिन होता है वो टाइमली स्कूल नहीं पहुंचते हैं क्लास में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सो so ये प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स की नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम रिलेटेड विद फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स सो so, कुछ बच्चे ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं जिनका घर का माहौल अच्छा नहीं होता है वहां पे इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है अगर बच्चों के साथ वैसी प्रॉब्लम भी है तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी नेक्स्ट पॉइंट है ओवर क्राउडेड क्लासरूम अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम होंगे लिमिट से ज्यादा बच्चे होंगे एक क्लास में तो टीचर का अटेंशन सभी पर नहीं जाएगा वो सभी पर ध्यान नहीं दे पाएगा और अगर वैसी सिचुएशन है तो क्लासरूम लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एक्टिवनेस एक्टिवनेस मतलब कि बच्चे क्लासरूम में एक्टिव नहीं होते हैं जब टीचर कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चे अपने ख्यालों में कहीं और ही गुम हो गए होते हैं सो so, एक्टिवनेस की प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स जो हैं सभी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं कुछ के लर्निंग का पेस अलग है कुछ का लर्निंग का पेस अलग है कुछ बच्चे जो जल्दी समझ जाते हैं कुछ लेट समझ जाते हैं सो so, ये भी एक बैरियर बनता है तो उसके लिए टीचर को उन बच्चों से अच्छी तरह से डील करना चाहिए जो बच्चे लेट समझते हैं उनके लिए टीचर को रिमीडियल क्लासेस या फिर रिमीडियल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी तो वहां पर हम समझ लेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं अभी बात करेंगे इस टॉपिक की नेक्स्ट इशू है प्रॉब्लम रिलेटेड विद करिकुलम जो करिकुलम है उसमें क्या क्या इशूज़ आते हैं ओके सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ स्कूल्स में ये होता है कि हमें सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ ही करवानी है जो हमने क्लासरूम में पढ़ाना है वही होना है हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इतना फोकस नहीं देना है बट द को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट और जो आर्ट एजुकेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसका पता चलता है नेक्स्ट पॉइंट है मोर बुक ओरिएंटेड करिकुलम जो करिकुलम होगा वो बुक ओरिएंटेड होगा उसमें एक्टिविटीज नहीं होंगी तो उस करिकुलम का भी कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्ड करिकुलम यानी कि ऐसा करिकुलम जिसमें बस यही है कि हमने एंड में एग्जाम लेने हैं बच्चे अच्छा स्कोर कर जाए और बस हमारा काम हो गया सो so, वो भी इशू है क्योंकि उससे क्या होगा ना कि बच्चों में लर्निंग की कैपेसिटी जो है ना वो डेवलप नहीं होगी बस एग्जाम दिया और हमारा काम हो गया सो so ये भी इशू है एंड नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन यानी कि बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती है बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमें किस तरह से बिहेव करना है क्या हमारे मॉरल्स हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम रिलेटेड विद टेक्स बुक्स टेक्स्ट बुक्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं क्योंकि कुछ जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका साइज अप्रोप्राइट नहीं होता है वो अट्रैक्टिव uh, नहीं होती हैं तो उससे बच्चों का मन नहीं करता है पढ़ने के लिए उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपॉइंट की जो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि क्लास रूम की मैनेजमेंट में क्या क्या इशूज हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज

सो so, अगर वो ही इनएड्युट है अच्छी तरह का फर्नीचर नहीं है वो कंफर्टेबल नहीं है या फिर सभी बच्चों को पूरा नहीं होता है तो वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे ठीक है एंड नेक्स्ट पॉइंट है इनएडिक्यूएट इक्विपमेंट्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो इनएड्युएट हैं वो कंप्लीट ही नहीं है जैसे चॉक्स हो गए डस्टर्स हो गए ब्लैक बोर्ड्स हो गए जो भी टीचिंग एड्स हैं वो नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी नेक्स्ट पॉइंट इज पोअर वेंटिलेशन रूम में खिड़कियां नहीं है हवा बाहर से अंदर नहीं आ सकती है वैसे होगा तो गर्मी में प्रॉब्लम होगी हवा नहीं होगी पंखे नहीं होंगे सो so बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे तो एक इशू है नेक्स्ट पॉइंट इज नॉइज कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो मार्केट्स के साइड में होते हैं साइड में गाड़ियां चल रही होती हैं आवाज बहुत सारी आती है सो so अगर नॉइज होगी तो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे इसलिए हम देखते हैं कि मोस्टली जो स्कूल होते हैं वो मार्केट से साइड में होते हैं ठीक है तो ये एक इशू हो गया नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एड्स जो हमारी टीचिंग एड्स होते हैं जैसे चार्ट्स हो गए मॉडल्स हो गए मैप्स हो गए पिक्चर्स होगी अगर उस तरह की टीचिंग एड्स नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे क्योंकि उन्हीं से तो अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है टीचर उन्हीं एड से तो अच्छी तरह से समझा पाएगा और बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे और वो नॉलेज लंबे समय तक रिटेन रहेगा सो so, टीचिंग एड्स नहीं होंगी तो ये एक इशू है नेक्स्ट पॉइंट इज डेकोरेशन ऑफ क्लास हम देखते हैं ना कि अभी हम क्लासरूम में बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन करते हैं साइड में बहुत अच्छे चार्ट्स बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव जो पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं और अगर क्लासरूम की डेकोरेशन नहीं होगी तो वो वहाँ पर पढ़ने का मन नहीं करता वो माहौल वो वाइब नहीं आती है पढ़ने की सो so, ये भी एक इशू है सो so, फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की मेजर इश्यूज क्या क्या हैं क्लासरूम लर्निंग के तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ जिसकी आपको ज़रूरत है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए वो वीडियोज़ भी लेकर आऊँ So, guys, that's all for now. If you like the video, please do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching. Bye bye. Stay connected. Take care.